हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मार्बल केक बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और घर के सामान से ही बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े चम्मच घी लिए हैं। अब इसमें हम यह आधा कटोरी चीनी डाल देते हैं पिसा हुआ। अब इसको हम मिला लेंगे। घी और चीनी मिल गया है। अब इसमें हम दूध डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम एक कटोरी आटा डाल देते हैं। आटा को अच्छे से मिला लेते हैं। कम पड़ेगा दूध तो और हम डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालते हैं और अच्छे से एक घोल बनाते हैं। देखिए अच्छे से घोल लिए हैं। कितना अच्छा घोल बन गया है। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से हम मिला लेंगे। मीठा अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया है। एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को ऐसे ही हम रख देंगे और एक भाग में कोको पाउडर डाल देते हैं एक बड़ी चम्मच और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिल गए हैं। अब हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। ऐसा हम बर्तन लेंगे। बर्तन में घी लगा लेंगे। चारों साइड से अच्छे से फैला लेते हैं हाथ से। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और आटे को चारों तरफ फैला लेंगे। जो बाकी बचा हुआ उसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सादा बेटर डालेंगे। अब इसमें हम कोको पाउडर वाला डालेंगे। फिर हम सादा डालेंगे। ऐसे ही करते करते सारा बेटर हमको इसी में डालना है। देखिए सारा केक का बेटर डाल दिए हैं। और ऐसे हम एक टूथपिक लेंगे और इसको हम ऐसे डिजाइन कर लेते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। पहले से हमने गैस पर भगोना रख लिए थे और भगोने में हम नमक डाले थे। अब इसमें हम स्टैंड रखेंगे और इसी पर हम केक रख देंगे और इसको हम फिर से ढक देते हैं 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। बीच में हम 30 मिनट के बाद देख लेंगे। 30 से 40 मिनट हो गए हैं। हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। एक हम चाकू लेंगे। चाकू को बीच से गड़ा के देख देते हैं। देखिए कितना साफ निकला है, यानी कि केक बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। केक को हम बाहर निकाल लेते हैं। चाकू की सहायता से चारों साइड का ऐसे हम कर लेंगे ताकि आराम से केक निकल जाए। एक हम प्लेट लेंगे। प्लेट को ऊपर से रख देंगे और इसको हम पलट लेंगे और साइड से थोड़ा सा हम ठोक लेंगे। देखिए कितना अच्छा केक निकल गया है और कितना सॉफ्ट भी बना हुआ है। केक को पलट लिए हैं। अब हम इसको काट कर दिखाते हैं कितना अच्छे से केक बना हुआ है। देखिए कितना स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया है। तो बनाइए और खाइए। अपने अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।